सांसद तुम न्यूज वाले नहीं, तुम यहाँ जाओ, यहाँ से जाओ। सांसद फालतू, तुम न्यूज वाले नहीं, तुम यहाँ जाओ, यहाँ से जाओ। भाई नॉर्मल बातचीत हम करने वाले हैं, चल जल्दी करो। हाँ थोड़ा पीछे हो जाइए थोड़ा सा, ओके चलिए। कौन सा न्यूज है? द लोक मीडिया। चल चल जल्दी। हाँ चलिए ओके स्टार्ट हो गया। नमस्कार, आप द लोक मीडिया का चुनावी गोट देख रहे हैं, मैं हूँ तेज और अभी हम हैं बस्तर लोकसभा में। बस्तर लोकसभा सीट यानी कि बहुत चर्चित सीट है देश में, क्योंकि पहले फेस पर यहाँ पे होनी है 19 अप्रैल को और दादी जो है कवासी लखमा, बस्तर के दादी, छत्तीसगढ़ में दादी के नाम से जाने जाते हैं, दादी यहाँ से प्रत्याशी है कांग्रेस से। बहुत स्वागत है दादी आपका। दादी बस्तर से दिल्ली जाना चाह रहे हैं आप? स्वागत मैंने आपका किया है, हमारा इंटरव्यू ऐसा ही रहता है। बस्तर से दिल्ली दादी क्यों जाना चाहते हैं? नहीं जाना चाहते। लोकसभा सांसद फालतू, तुम न्यूज वाले नहीं, तुम यहाँ जाओ, तुम न्यूज वाले नहीं, तुम यहाँ जाओ, यहाँ से जाओ। रुको दादी, दादी दादी चुनाव लड़ रहे दिल्ली जाना चाहते हैं, एक एक क्वेश्चन है, जा। अरे दादी माइक दे दीजिए दादी, सवालों की जब बात होती है तो ऐसे में जो मीडिया है, मीडिया के साथ में आपको फ्रेंडली होना होता है। दिल्ली क्यों जाना चाहती है, इसका सवाल का जवाब हो सकता था। देश में लोकसभा चुनाव ठीक सामने है और लोकसभा चुनाव से पहले एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो जो वायरल हो रहा है वो द लोक मीडिया के संस्थापक तेज साहू का है। तेज साहू इस वक्त इस समय बस्तर पे है और आज ही वो कवासी लखमा का इंटरव्यू कर रहे थे। कवासी लखमा कौन है पहले मैं आपको बता दूं, कवासी लखमा कांग्रेस शासनकाल के मंत्री हैं और आज अभी विधायक हैं और बस्तर से कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। आज इसी कारण से तेज साहू द लोक मीडिया के संस्थापक कवासी लखमा के पास इंटरव्यू करने पहुंचे तो कवासी लखमा ने उन्हें धुतकार कर भगा दिया और उन्हें कहा कि आप पत्रकार नहीं हैं, आप चले जाइए। सांसद फालतू, तुम न्यूज वाले नहीं, तुम यहाँ जाओ, यहाँ से जाओ। कैमरे के सामने इंटरव्यू के दौरान कवासी लखमा पत्रकार के साथ गाली गलौज करते दिखे, पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार करते दिखे। आप सोचिए पत्रकार के साथ खुलेआम गाली गलौज करने वाले नेता अपने लोगों के साथ, अपने जनता के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे। मेरा हर उन नेताओं से सवाल है कि आपके नजरों में पत्रकार कौन है, जो आपकी जी हजूरी करे, जो आपके हाँ में हाँ मिलाए, जो आपके हर झूठ को सच बताए और जो सत्ता और विपक्ष के हर बड़े नेताओं के तलवे चाटे। क्या आपकी नजरों में यही पत्रकार हैं और क्या आपके नजरों में पत्रकार होने का यही क्राइटेरिया है? अगर ऐसा है तो हमको आपकी इज्जत की कोई दरकार नहीं है। हम हर दिन जिल्लत झेलते अपने काम को लेकर के और आगे भी झेलते रहेंगे, लेकिन जैसा पैमाना आपने बनाकर रखा है पत्रकारों के लिए उसमें कभी हम फिट बैठेंगे ही नहीं और उसमें कभी फिट बैठना ही नहीं चाहते। और ये नेताओं के अहंकार के लिए है जिनको लगता है कि कुर्सी हमेशा उनके साथ रहने वाली है। अहंकार तो रावण कभी नहीं टिका, आप और हम तो इंसान हैं। आप जैसे लोगों के लिए मुनव्वर राणा ने एक शेर कहा था, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है।